की शुरुआत कोरोना बुलेटिन के साथ। कोरोना वायरस से दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश प्रभावित, 69,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 12 लाख से ज्यादा संक्रमित। अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 9,000 से ज्यादा की मौत, लाखों लोग घरों में कैद। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर के चिड़ियाघर को दी सलाह, हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। जानवरों के किसी भी तरह के लक्षण या असामान्य व्यवहार पर सीसीटीवी से निगरानी रखने को कहा। न्यूयॉर्क में एक टाइगर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया, ये जानवरों में कोरोना का संक्रमण का पहला मामला है। चीन में कोरोना वायरस के 39 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 38 मामले ऐसे हैं जहां विदेश से लोग संक्रमित होकर आए। कोरोना से लीबिया के पूर्व पीएम का निधन, 10 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद 68 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अस्पताल में भर्ती, ब्रिटिश पीएम कार्यालय ने दी जानकारी। देश में कोरोना के मामलों में भारी इजाफा, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,067, 109 की मौत, 292 मरीज हुए ठीक, अब कुल 3,666 एक्टिव केस। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग को बताया लंबा, कहा ना थकना है ना हारना है बस जीतना है। कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग एकमात्र उपाय, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, ट्वीट करो, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। कैबिनेट बैठक के बाद बोले जावड़ेकर, पीएम समेत मंत्रियों सांसदों की सैलरी में होगी कटौती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के भी कटेंगे वेतन, सांसद निधि फंड अगले दो साल के लिए स्थगित। दिल्ली सरकार ने 2000 बेड की कैपेसिटी वाले लोकनायक अस्पताल और 450 बेड की कैपेसिटी वाले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कोरोना केस के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाया है। कोरोना वायरस का कोहराम जारी, देश में संक्रमितों की संख्या के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र, 690 लोग कोरोना संक्रमित। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया, केंद्र सरकार ने कहा था हमें 27,000 पीपीई किट दे रहे हैं, ये कल तक नहीं मिले, शायद आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। गौतम गंभीर की मदद पर बोले सीएम केजरीवाल, पैसा नहीं पीपीई किट कहीं से दिलवा दीजिए। कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना संक्रमितों में राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर, दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 523। मौलाना साद को भेजा गया दूसरा नोटिस, पहले नोटिस पर नहीं दिया था जवाब, 26 सवाल मौलाना साद से पूछे गए। हरियाणा में कोरोना के बड़े केस, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 94, 25 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज, 2 की हो चुकी है मौत। सिंगर कनिका कपूर की छठी रिपोर्ट आई नेगेटिव, 18 दिन में ठीक होकर अस्पताल से घर पहुंची कनिका कपूर। बलरामपुर में कोरोना वायरस को भगाने के लिए बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष ने की हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज, पदमुक्त।